एक तरफ तो शासन प्रति परिवार को 40 लीटर पानी मुफ्त देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर एक गांव पड़रिया राजधार ऐसा है जहां 300 परिवारों को पीने का पानी बामुश्किल से मिल पा रहा है। आपको ये पानी की ऐसी परेशानी रहती कि या अभी है परेशानी? अभी तो नल बिगड़ गए थे, परेशानी तो बहुत हो गई 15-16 दिन। पानी की परेशानी तो 12 महीने रहे थे, बसकारी भले हो जाए फायदा कुछ नहीं। जन मंजूरी हो जाओ तो टाइम पे काम ही नहीं हो पा, 10 बजे से 9 बजे से आदमी ने करा लगा था, मंजूरी नहीं जा पा रहा है। पानी में 12 बज जाते, कुगा करो तलाह में जाओ, डिब्बों से भर भर के ले आ रहा है, परेशानी इतनी है, चाटक घुमाड़ी मोड़ा कहाँ से काम करें। तो आप लोग कभी सरपंच से नहीं बोलती, अपनी पंचायत में नहीं बोलती? अब कुछ समझे भी नहीं जाओ, कोई सदस्य खड़े नहीं हुआ हमारे साथ, अकेले कर रहा है, परेशानी है, सुबह भोग रहा है, अब सरपंच करवा रहे हैं, मालूम नहीं है कितने दिन में हो पाए। 3 साल हो गए टंकी बने, फिर दूसरे सरपंच हमारे चुने, उन्हें लाइन डरवा दे, पाइप डरवा दे, मैंने उन लोगों को कुछ सुनाई नहीं हो रहा है, सभी लोग क्या करेंगे। जी हैंड पंप है तो जी कब से बिगड़ी पड़े? 1 महीना हो गए थे, कोई सुधरवा ही नहीं रहा। उन्हें क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव जो चाहते हैं कि पानी की परेशानी घट जाएगी तो बस टाइम से मिलेगा, फिर अपन लोग भी टाइम से मजदूरी करेंगे, मोड़ी मोड़ा भी अच्छे से रहेंगे कि पानी की परेशानी नहीं ना। वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि हमारे ब्लॉक के PHE इंजीनियर AK गुप्ता जी, जिनका मोबाइल नंबर 9425451159 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि 3 साल से अधूरी पड़ी नल जल योजना को जल्द पूरा किया जाए। मैं संगीता ठाकुर, ग्राम पड़रिया, तहसील बेगमन, जिला रायसेन से इंडियन हड के लिए।